मेरे भाई लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे और आप लोग दुआओं से मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। और भाई बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि किसी कारण से शायद बना नहीं पाया वीडियो में, और कुछ प्रॉब्लम चल रही थी बीच में, लेकिन अभी सॉल्व हो गई। और अभी इस बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और आवाज़ भी थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, इसके वजह से थोड़ा सा आपको हो सकता है कि दिक्कत हो आवाज़ में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक मतलब ये बोलो कि कम से कम 2 महीने बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। 2 महीने बाद बहुत होते ज़्यादा होते हैं, है ना? तो कभी फुर्सत में बात करेंगे तो फिर बताऊँगा आपको क्या क्या था, क्या चल रहा था अभी। तो आज का जो वीडियो है भाई, जो बनाया है वीडियो मैंने, नए साल में पहला वीडियो है मेरा ये, और जो टॉपिक है आप लोगों ने देख लिया होगा वैसे भी कि ओट्स का और बॉडी बनाओ। तो भाई वैसे भी आजकल जितने भी बंदे और बंदियां जो भी जिम जा रहे हैं, चाहे वो फैट लॉस करें चाहे वेट गेन करें, उन्हें आपके उनके ट्रेनर या जो भी यूट्यूबर भाई लोग, सब लोग ये बोलते हैं कि ओट्स खाओ और उससे फैट बर्न भी होता है और वेट गेन भी होता है ना? ये तो हकीकत बात है। और जितने भी बॉडी बिल्डर हैं अभी, आप जितने भी ले लो, फिल हीथ ले लो, आपके शॉन रेडन ले लो, जो भी है जितने भी हैं, सबकी डाइट में रॉनी कोलमैन, उनको देख के मैं खाना सीखा था वैसे उस टाइम, मतलब वीडियो देखे थे उनके और मुझे बताया था कि ओट्स होता क्या है। जब मैंने सर्च किया ओट्स तो फिर मुझे पता चला कि हाँ ओट्स है और ये इंडिया में मिलने लग गया है। तो आज से कम 6-7 साल पुरानी बात है, या वो पहले भी हो सकती है। तो उनको देख कर मैं ओट्स खाना सीखा, और ओट्स वाकई में बता रहा हूँ आपको काफ़ी हेल्प करता है, आपको आपकी स्किन क्वालिटी को भी क्लियर अच्छा करता है वो। आपको उसमें प्रोटीन भी मिलता है, प्रोटीन इतनी मात्रा में नहीं मिलता लेकिन कार्ब्स अच्छा क्वालिटी वाला मिलता है आपको, है ना? तो आप उसको चाहे प्री वर्कआउट में खाओ चाहे पोस्ट वर्कआउट में खाओ, वैसे मोस्टली लोग प्री वर्कआउट में खाना पसंद करते हैं, है ना? तो प्री वर्कआउट में भी आप खा सकते हो ओट्स को, बहुत ईजी है। और लेकिन लोग बोल तो देते कि हम ओट्स खा रहे हैं और लाते हैं घर पे, और वो शायद किसी तरीके का, आजकल मार्केट में बहुत मसाले वाला ओट्स भी आ रहे हैं वो खाते हैं। तो मैं भाई ये बोलता हूँ कि आप प्लेन ओट्स खाओ, जब तक प्लेन ओट्स नहीं रहेगा तो वो बेनिफिट आपको नहीं देगा उस तरीके का, जो ओट्स के जो कंटेंट जो लिखे हुए हैं, न्यूट्रिशन फैक्ट जो लिखे हुए हैं उसके अंदर, बाहर जो पन्नी पे है ना। तो आप ओट्स को नॉर्मल उबाल के पानी के साथ में खा सकते हो। भाई मैं तो प्लेन ही खाता हूँ उसको, है ना? कुछ नमक वगैरह डाल के खा लेता हूँ, अगर किसी को अच्छा लगता है तो प्रोटीन स्कूप कर डाल के चॉकलेट फ्लेवर बना ले अपने ओट्स को, है ना? लेकिन बस बाकी और अदर चीज़ मतलब उसके अंदर फालतू नहीं करना है आपको। ओट्स मतलब ओट्स सिंपल ही होना चाहिए यार, ओट्स खाओ एकदम आराम से, ओट्स को बॉयल पानी में डालो या नमक मिर्ची, नमक डाल सकते हो, और मसाले इतने हैं यार अपने इंडिया, तो कैसे भी तरीके की आप रेसिपी उसको बना सकते हो, है ना? अगर आप बोलोगे कि मैं उसकी रेसिपी आपको दूँ तो बना लूँगा भाई, आप लोगों के लिए कुक भी बन जाऊँगा। वैसे तो अच्छा खासा कुक हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम वीडियो में मैंने जो, लास्ट टाइम तो नहीं खैर बहुत टाइम हो गया उसको, तो वो जरा अपना सोयाबीन खाओ और बॉडी बनाओ वाला जो था, तो बहुत से बंदे लोग ये पूछते हैं कि भाई पहले खाना के बाद में खाना, मैंने बताया नहीं ये चीज़। तो खैर बाद में वो एक वीडियो और बनाऊंगा, उसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, तो उसमें क्लियर कर दूंगा आपको कि क्या पहले खाना के बाद में खाना और कैसे बनाना है, उसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना? तो ओट्स खाओ और बॉडी बनाओ, और ओट्स कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता है आपको। आप ओट्स को लोगे, आपका प्रोटीन का स्कूप होगा, उससे आप मेजर कर सकते हो उसको 35 ग्राम या 30 या 40 ग्राम, जैसा आपका स्कूप होगा, है ना? और गर्म पानी में डालो, नमक डालो और खा लो या तो पी लो। कोई कह, मेरे को अब टेस्ट इतने सालों से खा रहा हूँ ना, तो एक आ गया है स्वाद मेरे मुंह में, ठीक है ना? तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी शुरू में, दिक्कत सब लोगों को होती है मेरे भाई लोग, जिम जाने में भी दिक्कत होती है, वेट लॉस करने में भी दिक्कत होती है और वेट गेन करने में भी दिक्कत होती है। तो आप उसको वो बस समझो कि मेरे को खाना है, मेरे को अपनी सेहत के लिए खाना है, ठीक है ना? इतने साल तक समोसे कचौड़ी खाए तो यार ओट्स भी खा लो, तो और अपनी बॉडी बना लो, है ना? और बॉडी 100% बनेगी, और 100% बनेगी। तो ये था भाई ओट्स पे, मैंने कुछ खास इसके बारे में बताया नहीं आपको कि ओट्स में ये रहता है वो रहता है, लगभग सब लोगों को मालूम रहता है कि ओट्स में क्या है, लेकिन बहुत से लोग लेके आते हैं मार्केट से, पैकेट लाते हैं लेकिन फिर वहाँ पड़ा रहता है उनके घर पे, वो खाते नहीं है, है ना? तो प्लीज़ उसको खाओ, बहुत अच्छी चीज़ है वो। तो यही था भाई मेरा वीडियो का आज टॉपिक, और छोटा सा वीडियो था
और बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, और अच्छे वीडियो लाते रहूँगा मैं, है ना। आज तो स्टार्टिंग का टाइम था, एक तरीके से नया साल है तो मेरा पहला ही वीडियो है ये। तो भाई जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनका भी थैंक यू भाई, और सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले मेरे, तो जिन्होंने नहीं किया उनका भी थैंक यू भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब आते रहेंगे, वीडियो कम आएंगे लेकिन आएंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए भाई गुड नाइट, क्योंकि रात में वीडियो बना रहा हूँ भाई।